हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो फिर से इंफॉर्मेशनल वीडियो आ चुकी है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो फिर से दोबारा गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड वीडियो है। तो तुमने देखा था कि मैंने जो म्यूज़िक सिस्टम लगवाया था अपनी गाड़ी में, मामा जी की गाड़ी वाला तो बहुत बेस्ट था। मैंने अपनी गाड़ी में जो लगवाया था वो आगे कॉम्पोनेंट लगवाए थे और पीछे ओवल लगवाए थे, तो उसका जो साउंड आउटपुट था वो काफ़ी अच्छा बढ़ गया, काफ़ी ट्रेवल हाई हो चुका है, मेरा वोकल्स काफ़ी अच्छे हो गए, पर बेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आज यार हम जा रहे हैं उसी दुकान पर, जस्सी कार एसेसरीज करोल बाग में, तो जहाँ से मामा जी ने लगवाया था वहाँ पर हम जा रहे हैं। वहाँ पर हम जाके देखते हैं बेस ट्यूब वगैरह कौन सी हमें पसंद आती है और कौन सी हम लगवाते हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की ज़रूर देखना। तो मिलते हैं, चलो सीधा करोल बाग। और हाँ, एक और बात यार, आज मैं थोड़ा सा फिर से नया दया नहीं लग रहा, कोई ना माइंड मत करना, सुबह सुबह का टाइम है यार, मैं अभी ना बस जाना चाहता हूँ, मैं फटाफट एक बार बात जाऊँ वहाँ जाके लगवा कर आऊँ, फिर तुम्हें मैं रिस्पॉन्स दिखाऊँगा। तो गाइस, फाइनली हम जग्गी कार एसेसरीज पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा मेहनतों के साथ। और ये देखो, हमारी गाड़ी जो है वो खुली यहाँ पर पड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर सारी गाड़ी खुल चुकी है और यहाँ पर अपना जो काम है शुरू हो गया। चार बंदे यहाँ पर लग चुके हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन्होंने JBL की वायरिंग किट लगाई है, बहुत बढ़िया वायरिंग किट है ये भाई। और यहाँ से अंदर से काम जो है शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखो भैया, आगे लगे हुए हैं, यहाँ से मेरा स्टीरियो वगैरह सब कुछ निकल गया है। यहाँ पर मेरे एक कॉम्पोनेंट था इन्फिनिटी का जो मैंने लगवाया था पिछली बार, आपको पता है मैंने ट्विटर की प्लेसमेंट चेंज करा दी, उन्होंने गलत जगह लगा दी थी एक्चुअली ना। वो देखो, ट्विटर की प्लेसमेंट चेंज हो रही है क्योंकि मेरा डैशबोर्ड नहीं खुल रहा था, तो यहाँ मैंने सामने अब करवा दिए और अब फटाफट काम यहाँ पर जल्दी जल्दी शुरू हो रहा है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और पीछे देखो, यहाँ पर अपनी जो डिक्की की डैम्पिंग है वो शुरू हो रही है। अब मैंने मेगा साउंड की डैम्पिंग करवाई है, वो बहुत अच्छी डैम्पिंग थी और काफ़ी हैवी डैम्पिंग थी। तो यार ये देखो, अब अपना काम जो है चल रहा है। यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेरिक लाइट्स लगवाई हैं, क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, नहीं लग रही थी, तो एटमॉस्फेरिक लाइट मैंने लगवा ली। यहाँ पर अभी वायरिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर चार सेंसर पीछे लग रहे हैं, मैंने बैक सेंसर लगाए क्योंकि इसकी डिक्की जो है ना बहुत बढ़िया है भाई। ये देखो यार, ये होल कर रहे हैं भाई मेरी आँखों के सामने, मेरे जिगर के छल्ले में होल कर रहे हैं। और ये नहीं 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 अरे हाय गाइस, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मेरे दिल पे क्या बीत रही है भाई। इन्होंने मेरी आंखों के सामने गाड़ी में चार छेद करे बैक सेंसर के लिए, तो कुछ नहीं होता। चलो अब डैम्पिंग भी जल्दी जल्दी पूरी होने वाली है और यहाँ से अब हम फटाफट अपना सिस्टम का तुम्हें रिस्पॉन्स सारा सुनाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया, ये देखो गाइस, ये तो मेरा चेला मेरे साथ हमेशा रहता ही है, तुम्हें पता है हर वीडियो में। इसको गाइस, इसके पास एक ही टी शर्ट रह गया यार, इसको थोड़े से पैसे पूसे पेटीएम करो ताकि ये बंदा जो है ना थोड़ी सी नई टी शर्टें खरीद ले और डाले। पर यार ये बंदा ना खड़े पैर उठ के चल पड़ता है यार, ये तो बात है इस बंदे में भाई। इसको मैंने सुबह सुबह फ़ोन करा 9 बजे, मैंने कहा भाई चलना है ऐसे, तो बंदा खड़े पैर उठा, फटाफट तैयार हुआ और आ गया। जिगरी है अपना, कोई दिक्कत नहीं, अब फटाफट तुम्हें तो सिस्टम के यहाँ पर अपना काम चल रहा था। एटमॉस्फेरिक लाइट लग चुकी है, डैम्पिंग हो चुकी है और यहाँ पर अपनी जो है बेस ट्यूब अपनी यहाँ पर ओपन हो रही है। बेस ट्यूब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं हाइपरसोनिक के लगवा रहा हूँ 12 इंची की, क्योंकि मेरी डिक्की बहुत बड़ी है और स्पेस काफ़ी उसमें अच्छा खासा है, तो ये 12 इंची की काफ़ी बड़ी है गाइस। देखोगे तुम ऐसे साइज़ के हिसाब से है ना, अच्छी खासी बड़ी लग रही है। मैं तुम्हें इसकी प्लेसमेंट दिखाता हूँ कैसी हो रही है। भैया ने कहा भैया बहुत बेस्ट रहेगी ये, देखो डैम्पिंग डुम्पिंग तो अपनी चल रही है, आगे डैम्पिंग वगैरह तो मस्त से चल रही है। यहाँ पर ये बेस ट्यूब जा रही है अंदर, मतलब तुम खुद देखो यार, बूट स्पेस इसका बहुत है, अंत का बूट स्पेस पड़ा है, तो इसमें यहाँ पर डल जाएगी बढ़िया सी। हाइपरसोनिक की मामा जी ने लगाई थी भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस था यार, सेक्सी थी बिल्कुल मज़ेदार। तो भाई फाइनली अपना सारा काम हो चुका है, हमें यहाँ पर भी 2 से 2.5 घंटे लग गए अपना, पर हमारा अब सारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। क्यों शुड्डू, अब कैसा लग रहा है, अब ईमानदारी से बताओ। बहुत सही भाई, एकदम सेटिस्फाइड भाई। हमारी पहली बारी वोकल्स काफ़ी अच्छे हो गए थे स्पीकर्स की वजह से, पर हमें बेस की कमी थी और भाई बेस ट्यूब इतनी हैवी डल चुकी है, ये बहुत हैवी बेस ट्यूब है भाई। मैं कन्फ्यूज था कि उतना अच्छा करेगी कि नहीं, पर ये बहुत हैवी बेस ट्यूब है। और ये समझ लो कि अभी हमने इसकी आवाज़ जो है ना हाफ से भी अभी 2-3 पॉइंट नीचे ही चला रहे हैं हम, और इतने में गाड़ी पूरी घर 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 कर रही है भाई। जितनी हमें चाहिए थी ना उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा मिल गई, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत सही लग रहा है। हाफ पे रखिए, बल्कि हाफ से भी कम है। और हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लाइट भी लगवा लिया, अभी दिन में वो दिखेगी नहीं, मैं वैसे थोड़ा बहुत करके आपको दिखा देता हूँ। मैं देखो ये चीज,
तो ये अपने एटमॉस्फेरिक लाइट्स इसमें चेंज करा लिए, मतलब चारों लगा दिए, क्योंकि मेरे इसमें एम्बिएंट लाइट नहीं लग सकती थी। पर अब हम तुम्हें साउंड चेक कराते हैं यार, हम चेक करना भाई, अभी अभी हमने बेस जो है बहुत कम कर रखी है। बेस आएगा ना तो सुनना भाई, पता नहीं मेरा फोन वो चीज कैच कर पाएगा कि नहीं। गाइस पूरे शीशे वाइब्रेट कर रहे हैं। तुमने साउंड तो सुन लिया होएगा भाई, अभी जो आवाज़ है ना, लिटरली बता रहा हूँ, बेस की हमने हाफ से भी कभी कम करके रखी है, पूरे शीशे वाइब्रेट कर रहे हैं। जो चीज़ चाहिए थी ना पिछली बारी हमें नहीं मिली थी, हमें ट्रैवल में वो चीज़ मिल गई थी, पर जो बेस में अब आई है ना, अब फुल सेटिस्फेक्शन हो गया है भाई, पूरी सेटिस्फेक्शन। अब लिटरली बता रहा हूँ, और कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है सही में भाई, बहुत ज़बरदस्त हो गया। और बाकी किसी को अगर साउंड चेक करना हो तो मेरी गाड़ी में आ जाना, मैं तुम्हें साउंड चेक करा दूंगा, कहीं भी रोक लेना, कोई चक्कर नहीं भाई यार, है सारे बाहर चलते हुए कभी भी देखो तो हाथ दे देना गाड़ी को, कोई चक्कर नहीं, साउंड चेक करा दूंगा मैं खुद एक हफ्ते में एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी मैं तुम्हें खर्चा बताता हूँ अपना, तो तुम्हें पहले का मेरा खर्चा पता है, पहले का जो खर्चा आया था अराउंड 8000 के राउंड ऑफ आया था मेरा खर्चा, और अब जो मेरा खर्चा आया वो लगा है मेरा 11000 पे, जिसमें मेरी हुई है 11 से 12 के करीब मेरा खर्चा हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें मेरी डैम्पिंग लगी है, 3 शीट एक्चुअली पीछे लग गई, 2 शीट लगनी थी बट 3 शीट बढ़ गई, 1 शीट और बढ़ गई थी जो मैंने हल्के हल्के और सारी जगह लगवा ली पीस का, तो मेरी 5 शीटें टोटल डैम्पिंग की लगी हैं, जो 650 रुपये की पर शीट पड़ी है मेगा साउंड की, भाई बहुत अच्छी डैम्पिंग है। साथ में मेरी हाइपरसोनिक की 12 इंचेस की बेस ट्यूब आई है, जो फिटिंग के साथ मेरे को अराउंड ऑफ 65 to 67 के राउंड ऑफ पड़ी है, 100 के राउंड ऑफ, मतलब 6500 के राउंड ऑफ। और डैम्पिंग एटमॉस्फेयर लाइट्स, और मैंने बैक सेंसर लगवाया, क्योंकि यार इसकी डिक्की जो बहुत बड़ी है मेरे को पता नहीं लग पाता पीछे का, तो इसलिए मैंने बैक सेंसर लगवाया, तो मेरा टोटल खर्चा आ गया 11 से 12 का भाई। अब लिटरली बता रहे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया, बहुत ज़बरदस्त है शिड्डू भाई, बहुत ज़्यादा भाई, एकदम दिल खुश हो गया है भाई, अंडर बजट बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई है ना, अब जाके मिली है वो चीज़। तो यार अगर किसी को भी काम कराना हो, मैं जग्गी कार एसेसरीज़ का नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हो, और मेरा नाम ले देना, मेरे चैनल का नाम ले देना, तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, चले गुड बाय भाई, गुड बाय, चले भाई चलते हैं, बाय गाइस।